पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मंगल बाजार स्थित एक सराफा की दुकान से गहनों की चोरी में आरोपित दो व्यक्तियों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के कुछ गहने भी बरामद हुए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए एसपी की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। आरोपितों के पास से पुलिस ने कान का 6 झाला, 1,045 रुपए नकद, 3 मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम आदि बरामद किया। दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी पर क्षेत्र अधिकारी प्रीति खरवार ने थानाध्यक्ष पुरानी आलोक श्रीवास्तव के साथ पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 12 मार्च 2022 को राजेश कुमार सोनी निवासी मंगल बाजार ने पुलिस को तहरीर दी थी और बताया था कि सराफा की दुकान पर धर्मेंद्र प्रमाणिक निवासी बलरामगा थाना घटला जनपद पश्चिमी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल और शिवनाथ धरा निवासी रंकाकी थाना चंद्रकोना जनपद पश्चिमी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल उनके सहयोगी के रूप में काम करते थे। इन दोनों ने अपने एक अन्य साथी चिन्मय धरा निवासी रंकाकी जिला पश्चिमी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से मिलकर दुकानों में रखा 400 ग्राम सोने का जेवर चुरा लिया। पुलिस तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। क्षेत्र अधिकारी प्रीति खरवार ने बताया घटना में सम्मिलित चिन्मय धरा को पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा 15 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट और कुर्की की नोटिस जारी किया गया था। पुलिस नोटिस तामील करवाने आरोपितों के घर गई थी। इस बीच 25 मई की सुबह दोनों आरोपित पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नारायणपुर थाना के बेरी पूर्वी स्थान से गिरफ्तार हुए। आरोपितों ने स्वीकार किया कि अधिकांश गहने उन्होंने बेच दिए। इसमें 381, 408, 417, 418, 420 और 411 का आईपीसी के मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 3 नामजद दर्ज किए गए थे जिसे एक जो है वो 15 दिन 22 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम था चिन्मय धरा पुत्र मोहन धरा और बाकी जो थे वो अभियुक्त वो फरार थे। तो जिसके लिए टीम गठित की गई थी और पूरे पुलिस के संपूर्ण प्रयास के थ्रू के बाकी दो अभियुक्त जो हैं जिनके एनपीडब्ल्यू भी दाखिल की जा चुकी थी और बयासी भी किया जा चुका था, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इनका काफ़ी प्रयास के बाद इनको सर्विलांस टीम और बाकी हमारी पुलिस टीम के बाकी दोनों को भी धर्मेंद्र प्रमाणिक पुत्र बनेश्वर प्रमाणिक और शिवनाथ धरा पुत्र निरंजन धरा इन दोनों को ही कल गिरफ्तार किया गया। और कोई क्राइम हिस्ट्री भी पहले कभी क्राइम हिस्ट्री रही नहीं, इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं रही है। मैम क्या सामान गायब हुआ था और कितनी बरामद की थी? वादी द्वारा बताया गया कि उनके शॉप से 15 लाख की ज्वेलरी गायब हुई है, चोरी हुई है और उनको पता था कि मतलब तीन उनको पता था कि उनके शॉप पे ही काम करने वाले थे और वही लेकर गए हैं, तो उन्हीं की तलाश की जा रही थी और उन्हीं को तलाश करके हमें सफलता।